स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी में। आज सोलर सिस्टम में से जो टॉपिक्स बचे हैं उनको हम फिनिश कर देंगे। उसमें एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड्स, कॉमेट्स ये पोर्शन बचे हुए हैं, आज हम उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह। सबसे पहले क्षुद्र ग्रह हम पढ़ाएंगे। एस्ट्रॉयड के बारे में मैंने बताया था कि ये मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट ही होता है, उसके बीच में ये होते हैं। जैसे ये मार्स है, मंगल और ये जुपिटर है, बृहस्पति, तो इनके बीच में एक पूरा बेल्ट होता है। ठीक है, और इसी बेल्ट में ये एस्ट्रॉयड्स होते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड्स इसमें चूंकि होते हैं इस वजह से इस बेल्ट का नाम एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, कहा जाता है। ठीक है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है और इसी बेल्ट में एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं, तो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। इन एस्ट्रॉयड्स में भी रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों होता है। अगला पॉइंट कि इनमें रोटेशन यानी कि परिभ्रमण और रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण दोनों होता है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों जो है स्थितियां इसमें होती हैं। अब एक तो हमने बताया कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, अब इसमें कुछ जो है इनके भी ड्वार्फ प्लैनेट्स, इनके अलग अलग नाम हैं क्योंकि इनको ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो कुछ अलग अलग नाम हैं, तो उन नाम को भी आप नोट करते चलिए। ये नाम पहले कर लीजिए कि ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं, ये बौने ग्रह कहे जाते हैं, साइज में छोटे होते हैं, इस वजह से ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया जाता है। अलग अलग नाम हैं इनको, सेरेस, फोर वेस्टा, ठीक है, इसी और भी ड्वार्फ प्लैनेट कहिए या माइनर प्लैनेट भी, माइनर प्लैनेट भी आप इनको जो है कह सकते हैं। तो एक नाम तो हो गया आपका सेरेस, फिर फोर वेस्टा हो गया, फिर टू पैलास, फिर टेन हाइजिया, ये भी नाम है अलग अलग। तो नंबर चार, तो ये आप तीन चार आप जो है नोट कर लें कि सेरेस, फोर वेस्टा, टू पैलास, टेन हाइजिया। ठीक है, अब इनमें जो सेरेस और फोर वेस्टा हैं ये दोनों बड़े हैं साइज में, ठीक है, और बाकी सब छोटे हैं। तो बड़े में, बड़े वालों को जो है माइंड में ज़रूर रखिए कि ये क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, और इनका जो रोटेशन होता है और रिवॉल्यूशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये एस्ट्रॉयड के बारे में
आपको हमने जानकारी दी। अब हम मीटियोराइट यानी कि उल्का के बारे में जानकारी देंगे। जैसे ही ये पोर्शन फिनिश होता है हम आपको अगले टॉपिक पर ले चलेंगे जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताएंगे और जो अपकमिंग वीक्स होंगे नेक्स्ट में उसमें हम आपको 3 दिन हिस्ट्री और अगला सब्जेक्ट हम साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 दिन हमने हिस्ट्री का नाम ले लिया, 3 दिन ज्योग्राफी रहेगा और 3 दिन साइंस रहेगा, तो ताकि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स भी थोड़ा सा मिलते रहें और पढ़ाई आपकी जो सही दिशा में चलती रहे। अब हम अगला बताएंगे मीटियोर के बारे में। उल्का मीटियोर पूरे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं, जैसे एस्ट्रॉयड था मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और कुइपर बेल्ट जो हमने बताया था पहले आपको, तो कुइपर बेल्ट में प्लूटो हुआ या प्लूटो जैसे और तमाम सेलेस्टियल बॉडीज़ वो भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मीटियोर होते हैं वो पूरे सोलर सिस्टम में होते हैं। इनको शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार भी कहते हैं, शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार यानी कि गिरता हुआ तारा या टूटता हुआ तारा। अक्सर आपने आसमान में देखा होगा कि कोई तारा टूट के पृथ्वी की तरफ आ रहा है, ठीक है, चमकता हुआ, तो लोग विश वगैरह मांगते हैं, तो वही वाला है कि ये बेसिकली मीटियोर होते हैं, उल्का पिंड होते हैं और छोटे साइज से लेकर बड़े साइज तक में पाए जाते हैं, तो इन्हें शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, टूटता तारा या गिरता हुआ तारा। अब सिचुएशन क्या है कि ये जो है चाहे ये आइस से भी बने होते हैं यानी बर्फ़ से भी बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से भी होते हैं जो डस्ट और तमाम और अलग अलग प्रकार की चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, और सबसे जो मेन बात है कि ये कॉमेट्स जो है वो, तो हमने मीटियोर के बारे में जो बताया अभी कि शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार कहते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं कि छोटे से लेकर बड़े पार्टिकल्स होते हैं और जो पूरे स्पेस में ट्रेवल करते रहते हैं पूरे सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो अभी जो नॉन जो अभी तक जानकारी में आया है वो मीटियोर जो सबसे मतलब बड़ा भी है उसका नाम होबा है। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है होबा सबसे बड़ा मीटियोर है कि होबा क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये होबा जो है आपका मीटियोर है और इसमें आयरन और निकिल का प्रेजेंस ज़्यादा होता है, आयरन एंड निकिल ये दो धातुएँ इसमें पाई जाती हैं अधिकतर मीटियोर में, तो ये सर्वे के जरिए मालूम चला है कि इसमें आयरन और निकिल पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है कॉमेट्स या उल्का। अच्छा एक मिनट, मीटियोर के बारे में और भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि मीटियोर में जब आग लग जाता है तो इसमें एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, और ये बोलाइट कहलाता है। इसमें मीटियोर में जैसे क्या होता है कि मीटियोर अर्थ के सरफेस में एंट्री किया, तो जैसे ही अर्थ के सरफेस में अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही उसकी एंट्री होती है तो घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाती है। तो जब इसमें आग लग गई, ठीक है, तो आग लगने के बाद जो बचता है मीटियोर इसे बोलाइट कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है? बोलाइट। हिंदी में भी यही नाम है, आप बोलाइट ही लिखेंगे देवनागरी में कि
कि जब मेटियोर में आग लग जाता है तब इसमें एक्सप्लोजन होता है यानी विस्फोट होता है, तो यह बोलाइट कहलाती है। आग लगने के बाद इसमें विस्फोट होता है। ठीक है, तो विस्फोट की वजह से इसे क्या कहते हैं, बोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब अगर जो हिस्सा नष्ट नहीं होता है और पृथ्वी से टकरा जाता है, जैसे मान लिया कि विस्फोट हुआ, तो क्या बोलेंगे कि जो हिस्सा आग लगने के बाद विस्फोट हुआ, फिर जो फिर पोर्शन बचा उसका छोटा पोर्शन या फिर राख में तब्दील हो जाए तो उसे बोलाइट कहेंगे। उसके बाद भी जो हिस्सा पृथ्वी तक पहुंच गया यानी कि स्पेस में अगर फिनिश नहीं हुआ और पृथ्वी से आकर टकरा गया, जब आग लग जाती है और नष्ट नहीं होता है, तो जब वो पृथ्वी से आकर हिट हुआ तो वही हिस्सा टेक्टाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? टेक्टाइट। कब? जब पृथ्वी से टकराता है और नहीं नष्ट होता है, पृथ्वी से टकराने पर। ठीक है, तो कई हिस्सों में क्या होता है कि जब पृथ्वी से टकराता है तो तमाम मानवीय क्षति होते हैं, तमाम तरीके के जो है डिस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस टेक्टाइट के जरिए, सॉरी टेक्सटाइट मैंने लिख दिया, के लिख लीजिए टेक्टाइट। तो इस टेक्टाइट के जरिए अगर साइज में काफ़ी बड़ी है पृथ्वी पर पड़ी तो कुछ जो है गड्ढा टाइप से बना देगा आकृति, तो उस गड्ढे को क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, और जब इस क्रेटर में पानी भर जाए, अगर इस क्रेटर में पानी भर जाए तो एक लेक बन जाता है, उसको क्रेटर लेक कहते हैं। क्रेटर लेक। ठीक है, अपने इंडिया में एक क्रेटर लेक है जो ऐसे ही मीटियोराइड के जरिए ही बना हुआ है, तो उस क्रेटर लेक को क्या नाम दिया गया है, आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्रेटर लेक महाराष्ट्र, इंडिया के बारे में बता रहे हैं, और महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट, बुलढाणा जिले में है, और इसका नाम है आपका लोनार। ठीक है, लोनार लेक। तो पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि लोनार लेक कहाँ पर है, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट, लेक का नाम है लोनार लेक, लोनार झील। ठीक है, तो ये कॉमेट के जरिए ही, सॉरी कॉमेट बार बार आ जा रहा है, मेटियोर के जरिए, उल्का के जरिए ही ये बना हुआ है, और पहले पृथ्वी से आके टकराया, क्रेटर बना, क्रेटर में पानी भर गया तो क्रेटर लेक बन गया। तो ये जो क्रेटर लेक, लोनार लेक है, ये बेसिकली क्या है, क्रेटर लेक है, महाराष्ट्र में है, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको आप जो है माइंड में रखिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें मेटियोर से संबंधित हो गई आपके। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी के टाइम पीरियड में जो ज्ञात है सबसे बड़ी क्रेटर लेक, वो यूएसए के एरिजोना में है। नाम नोट कर लीजिए, यूएसए का एरिजोना अभी तक सबसे जो बड़ी और ज्ञात है वो एरिजोना यूएसए, इसमें अभी तक का सबसे बड़ा क्रेटर लेक पाया गया। ठीक है, यूएसए में क्रेटर लेक ही लिखिए,
यानी कि क्रेटर झील, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो है आपका, एक मिनट मैं बार बार क्रिएटर लिख दे रहा हूँ, क्रेटर ई हटा दीजिए, क्रेटर लेक, ठीक है। तो ये यूएसए में पाया जा रहा है, यूएसए में है, एरिजोना प्रांत में। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें कि अधिकतर तो जो मीटियोर होते हैं जब ये ट्रेवल करते हुए आते हैं स्पेस से, तो एटमॉस्फेयर में जब ये एंट्री करते हैं तो मेसोस्फेयर में ही अक्सर जो है जलकर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक जो राख पाई जाती है वो मेसोस्फेयर में पाई जाती है। अब मेसोस्फेयर क्या है, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस से जब हम जो है ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो हमारा वायुमंडल एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। इसको हम जो है डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में जब चैप्टर कवर करेंगे, यहाँ हम वैसे ही शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो कई लेयर में डिवाइड होता है, ठीक है। तो बीच में जो स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर के बीच में एक लेयर है, ठीक है, इस लेयर को आप मेसोस्फीयर कहेंगे। तो इस लेयर में आते आते जो है जितने भी मीटियोर होते हैं अगर उनमें एक्सप्लोजन हुआ और डिस्ट्रक्शन की तरफ वो बढ़ रहे हैं तो यहाँ तक आते आते वो यहाँ तक पूरा फिनिश हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं तब जाकर वो अर्थ से जाकर टकराते हैं, ठीक है। तो अधिकतर तो यहाँ तक आते आते ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए सबसे अधिक जो राख पाई जाती है या डिस्ट्रक्शन पार्टिकल्स पाए जाते हैं मीटियोर के वो मेसोस्फीयर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि एटमॉस्फेयर के किस लेयर में सबसे ज़्यादा मीटियोर्स के राख पाए जाते हैं, तो मेसोस्फीयर आप कहेंगे, ठीक है। फिर इसके मीटियोर में इसके अलावा एक और भी पॉइंट हो सकता है, कुछ ज़रा सोचें। हमने लेक का तो बता दिया, एरिजोना बता दिया, मेसोस्फीयर बता दिया, हाँ मीटियोर से संबंधित इतनी सारी चीज़ें कवर हो गई। अब हम अगला आपको बताएंगे कॉमेट्स के बारे में, ठीक है। कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु, ठीक। तो इसके बारे में देखें, लगभग सारे टॉपिक्स को टच करने का कोशिश करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस बन रहे हों आपके टॉपिक से रिलेटेड वो सारे कवर हो जाएं। तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि आपके कोई पोर्शन छूटे ना, जो भी कुछ छूटेगा तो उसको बाद में भी हम मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। कॉमेट्स, यानी कि धूमकेतु, हमने क्या बताया था इसको कि कुईपर बेल्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। धूमकेतु कहाँ पाए जाते हैं, कुईपर बेल्ट में। और कुईपर बेल्ट की जो है सिचुएशन कहाँ होगी आपके, जो प्लूटो नेपच्यून के बाद प्लूटो और जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कुईपर बेल्ट में। तो यानी कि बियॉन्ड द नेपच्यून, ठीक है। कॉमेट्स होते क्या हैं बेसिकली, कॉमेट्स आपके ये ड्वार्फ प्लैनेट या माइनर प्लैनेट्स के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट या माइनर प्लैनेट हम क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि हमने आपको बताया था अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु। कॉमेट्स के बारे में हमने आपको बताया था कि ये ऐसे आइसी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है,
थोड़ा सा मतलब कि बर्फीले टाइप से पदार्थों से बने होते हैं। ये इस प्रकार से होते हैं कि ये सन के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्यूशन होता है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि चूंकि हमने बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि जैसे ये सन है, तो जब सन के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो इसके हीट और एनर्जी की वजह से इनके जो आइस पार्टिकल हैं वो मेल्ट होंगे, पिघलेंगे। इस वजह से इनमें एक पूंछ जैसी रचना बन जाएगी, ठीक है। तो जो पीछे का पोर्शन है वो टेल कहलाता है, यानी पूंछ का भाग, और आगे का पोर्शन हेड कहलाता है, ठीक है, यानी कि शीर्ष भाग है। तो हेड और टेल वाली रचना बन जाती है। इस केस में जो हेड है वो हमेशा सूर्य के तरफ रहता है और जो टेल है वो हमेशा सूर्य से दूर रहता है, और इस प्रकार से ये चक्कर लगाते हैं कॉमेट्स, ठीक है। इनकी जो सिचुएशन होती है, अधिकतर ये कुइपर बेल्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। कुइपर बेल्ट में जिसमें प्लूटो वगैरह और माइनर जो है सेलेस्टियल बॉडीज भी होते हैं, तो उनके उस बेल्ट में इनकी जो है लोकेशन होती है कॉमेट्स की, ठीक है। कुछ जो आज के दौर में जो नोन हैं, जिनकी जानकारी हुई है कि ये कॉमेट्स हैं, उनके नाम भी बताए गए हैं। उनके नाम को नोट कर लीजिए, जैसे हेली, HELLY, हिंदी में भी यही नाम है हेली, एक दो हेलबॉप, HALEBOP, हेलबॉप हो गया, दो नाम हो गया। तीसरा नाम जो है TEMPLE-1, तो ये तीन नाम आप नोट कर लीजिए, ये कॉमेट्स के बारे में है, ठीक है। तो ये हमने अभी आपको इस वीडियो में एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड्स, कॉमेट्स, इन तीन को कवर किया। अब सोलर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक आपका यहाँ फिनिश होता है, ठीक है। अब अगले जो है पोर्शन में हम आपके लिए जो अर्थ है, इस अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी साइज रैंकिंग, पॉपुलेशन के वाइज के अकॉर्डिंग की रैंकिंग, लेक्स का साइज के अकॉर्डिंग, सब कुछ डिटेल में आपको एक बार मतलब लिस्टिंग टाइप से पूरा लिस्ट करवाएंगे, और उनके बारे में डिटेल किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो अगली वीडियो में हम उसी चीज़ को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।